बातों का पालन करना है जो कोरोना से बचने के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन साथ ही आपको अपना कर्तव्य भी निभाना है, सब काम भी करने हैं। That is the beauty of this area. It's very open and it's huge. So social distancing becomes a natural consequence of coming here. So the Prime Minister has left Ekta Mall and has arrived at the Food and Nutrition Park, which is the children's park. And when we saw the Ekta Mall, actually, one other thing that came to mind when all of you were talking was that the Prime Minister has been talking about the slogan of vocal for local. And that very clearly is significant in the Ekta Mall as well. ये दुनिया का पहला तकनीकी आधारित बच्चों के लिए पोषण पार्क है जो 35,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इस पार्क का जो थीम है वो सही पोषण देश रोशन और यहाँ की कई खासियतें हैं और प्रधानमंत्री हमेशा से ही बच्चों की बात करते हैं बच्चे जो देश का भविष्य हैं और वो तभी बेहतर कर पाएंगे जब उन्हें उचित पोषण मिले भारत सरकार के कई कार्यक्रम पोषण से जुड़े हुए हैं पोषण पखवाड़े मनाए जाते हैं और सितंबर का जो महीना था वो पोषण माह के रूप में भी पूरे देश भर में मनाया गया तो इस समय माननीय प्रधानमंत्री पोषण पार्क जो है जो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है वो राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं जो भी लोग केवड़िया आएंगे उनके लिए अब देखने के लिए बहुत कुछ है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ जो परिवार अपने बच्चों के साथ आएगा उनके अभिभावकों को ये बताया जाएगा कि बच्चों के जीवन में पोषण का क्या महत्व है और उनकी दिनचर्या कैसी हो उन्हें किस तरीके का संतुलित आहार दिया जाए किस उम्र के बच्चे को कौन कौन से पोषक तत्व प्रदान किए जाएं ताकि उनका जो विकास है वो बेहतर ढंग से हो सके और जो कई समस्याएं बच्चों के जीवन में आ जाती है बहुत ही कम उम्र में वो उन तमाम समस्याओं से दूर रहें और वो जो चाहते हैं जो कल्पना की उड़ान भरना चाहते हैं जो अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं वो समय से और अच्छे तरीके से हासिल कर सकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पोषण पार्क में And when one looks at a children's park, one normally thinks of an amusement park, but this is not an amusement park, this is a nutrition park. And one understands then the importance of the holistic messaging that this entire theme park around the Statue of Unity comes with. The messaging is of something deeper, not the amusement of life. That life has a meaning, life has a purpose. And one can see that, you know, in every single theme park that one visits over here, there is a message being carried. And one of these messages is directly for children about their nutrition and how it makes them, makes the world brighter. चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जो कि संभवतः विश्व का पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है केवड़िया टूरिज्म सर्किट का एक अभिन्न अंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ ही क्षणों पहले जिसे राष्ट्र को समर्पित किया सबसे पहले आरोग्य वन गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसके पश्चात उनका आगमन हुआ एकता मॉल में और अब इस समय वो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में उपस्थित हैं 8.5 एकड़ में फैला कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है बहुत पुरानी कहावत है और इसे नया स्वरूप प्रदान किया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान ने सही पोषण देश रोशन और इसी परंपरा का उदाहरण उसे चरितार्थ करता हुआ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जिसका प्रमुख आकर्षण है 600 मीटर लंबे ट्रैक पर चलने वाली न्यूट्री ट्रेन जो अलग अलग स्टेशन पर रुकती है जो पौष्टिकता या न्यूट्रिशन के अलग अलग तत्वों पर आधारित है और स्टेशन का नाम है जहां से ये ट्रेन रवाना हो रही है एकता जंक्शन
दीक्षाग्रहम, संस्कृत उच्चारण को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस के नाम रखे गए हैं, और बच्चों के लिए इससे बेहतर सीखने के लिए कोई जगह होना मुश्किल है। दे से दैट इम्पोर्टेंट लाइफ। फल शाक गृहम पहला स्टेशन चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का। हर स्टेशन का एक शुभंकर बनाया गया है, और जो पहला स्टेशन है उसका शुभंकर किसान कुमार हैं, और ये यहाँ आने वाले लोगों को ये सीख देते हैं, बच्चों को ये बताते हैं कि वो अपने जीवन में ताज़ा सब्जियों और फलों को शामिल करें, और उससे कैसे उनका विकास होगा, उससे किस किस तरह के पोषक तत्व उन्हें मिलेंगे, और कितना ज़रूरी है ताज़ा सब्जियों और फलों को अपने जीवन में शामिल करना। तो माननीय प्रधानमंत्री इस समय फल शाक गृहम में। Indeed, that is the first संदेश बेहद जरूरी, और उसी के साथ ये समझना सभी बच्चों के लिए। सब आहार जो भी सब्जी तुमको खत्म वो मेरे खेतों से आता, मीठे फल जो मैं उगाता वो मां लेके तुम्हें खिलाता, चाहे वो दाल चावल या फिर वो रोटी का गेहूं, चना राजमा ज्वार बाजरा सब अनाज का स्रोत ही मैं। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर बीज लिए खेतों में जाता, हल बैलों के साथ मिलकर धरती को उपजाऊ बनाता, गाजर मटर पालक गोभी सर्दी में ही आते हैं, अंगूर आम तरबूज पपीते हम गर्मी में खाते हैं, बेमौसम के फल और सब्जी कभी भी तुम ना खाना, सही समय से अच्छा खाके खूब स्वस्थ बन जाना, पेट को फुल रखते खुश और खून साफ करते हैं, हरी सब्जियां खाके सारे अंग सेहत पाते, घर की भिंडी कड़ी राजमा सब्जियां तुम खाना, जब मन चाहे माँ पापा से मुझसे मिल ले आ। और बच्चों के लिए ये संदेश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे स्वादिष्ट भोजन तो चाहते हैं लेकिन वो पौष्टिक है कि नहीं, ये सुनिश्चित करना हम सब का यानी अभिभावकों का और बाकी विशेषज्ञों का कर्तव्य है। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम टुडे, वॉचिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनॉग्यूरेटिंग द चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क, दिस इज द टाइम टू बुक योर टिकट्स एंड कम हियर। If you have fussy children who don't like to eat their fruits and vegetables, they will surely get inspired. Yes, indeed. And a clear message there from the farmer Kisan Kumar, who quite clearly told the children what is good for them, how they should eat fresh vegetables and fruits, and how they contribute to various essential nutrients and also immunity, and becoming an immunity warrior at this time. And that is really key because, you know, we are faced with so many unknown illnesses that can hit us. And so just building our immunity through natural means, Kisan Kumar telling us how to do it. There are all kinds of games here, computer games and quizzes where children can participate, answer questions and win points. And we are seeing a demonstration of that right now. और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो बच्चे यहाँ पर देखने आए उनका पूरा मनोरंजन हो, और वो जिज्ञासा उनके अंदर जगाने के लिए जो फल हैं, सब्जियाँ हैं, उनके जो प्रतिकृति है उसको बहुत ही अनूठे अंदाज में यहाँ पर
पेश किया गया है। और बच्चों को ये भी समझाया जा रहा है कि फल और सब्जियां कहां से आती हैं। We don't get fruits and vegetables from the local vegetable vendor, but how they are grown, how much effort the farmer puts in to grow those vegetables, all this is being depicted here. I think the importance of agriculture in protecting all of us, which many of us take for granted, this is something that is a lesson that is well taught and very necessary at this time. Sowing, caring, harvesting, and the role that our farmers play in just keeping us alive, in a sense. Kisan Kumar ke pehle श्रोता बने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने फल छायाग्रहम जो पहला स्टेशन था न्यूट्री ट्रेन का, उस पर उन्होंने विश्राम किया, उतरे, उसके बाद जानकारी हासिल की किस तरीके से फल या सब्जियां बोई जाती हैं, कैसे बढ़ती हैं, कैसे उनकी पैदावार होती है, न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए, हर एक के लिए, हर खासो आम के लिए एक खास जगह है ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, जिसे विशेष तौर पर डिज़ाइन किया गया है दिलचस्प अंदाज में, जो कठिन क्लिष्ट चीज़ें हैं उन्हें बताने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिनका एक के बाद एक अवलोकन कर रहे हैं, अगले स्टेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। सरदार पटेल यूज्ड टू से, इट इज़ ओनली सो लॉन्ग एज अ मैन कैन रिटेन द चाइल्ड विद इन हिम दैट लाइफ कैन बी फ्री फ्रॉम दोज डार्क शैडोज which leave inevitable furrows on a man's forehead. This is the place to find the child within you. इस तरह की व्यवस्था जो टॉय ट्रेन कहते हैं, भारत के कई म्यूजियम्स में है, लेकिन यहाँ पर जब बच्चे इस शाख गृहम के बाद जो दूसरा स्टेशन है इस न्यूट्री ट्रेन का, वो है पयोनागरी, और वहां पर धीरे धीरे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित हैं, बहुत ही दिलचस्प अंदाज में जनार्दन सुनते हुए श्री नरेंद्र मोदी। और वी कैन सी दैट जनार्दन आपके गाय और भैंस चराने जाता हूं। जनार्दन आपकी गाय और भैंस क्या खाती है? हमारी गाय और भैंसों को। नमस्ते, मेरा नाम है जनार्दन। और दूध से बनी सब चीजें बहुत पसंद हैं। मैं रोज 2 ग्लास दूध पीता हूँ।
मुझे मेरी माँ घर का बना दही घी और पनीर भी खिलाती हैं। जब कोई त्योहार आता है तो माँ दूध की खीर बर्फी खोए वाली मिठाई बनाती हैं। पूजा के दिनों में मैं माँ से थोड़ा सा ज्यादा पंचामृत लेके पी जाता हूँ और नानी के हाथ की आम और दूध वाली आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। और माँ को नहीं पता कि मैं ही घर का सारा मक्खन खत्म करता हूँ। दूध पीने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? दूध हमारे दांत और हड्डियाँ मजबूत करके हमको शक्तिशाली बनाता है। दूध से बिना वजन बढ़े हमारे शरीर को उत्तम पोषण मिलता है और हमारी हड्डियाँ और दांत टूटने से बचे रहते हैं। तभी तो मैं खेल कूद में हमेशा आगे रहता हूँ। मुझे भी, फिर मिलने आना। नमस्ते। So this is one of the big attractions of the children's Nutri Park, the second station, which is Payonagari, where a 10-year-old animated character Janardhan is the mascot and was having a lively conversation there with Prime Minister Narendra Modi. And this is the interactive session where there are these pots where children can come and churn butter. And they can play certain kinds of games like feed the cow, churn the butter. Cow stands out, milk story. So that does connect children to the world of milk, to rural settings, and it is also so reminiscent of Lord Krishna in all his naughtiness, and the gopikas, and the closeness to the cow. Very true. दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में दूध दही की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस पूरे जो दूसरे स्टेशन को है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और प्रधानमंत्री इस समय स्वयं जो है वो मक्खन निकालते हुए दूध से। और भारतीय परंपरा में भी एक लंबा इतिहास रहा है, भगवान श्री कृष्ण माखन चोर कहे जाते रहे हैं। और इस समय यहाँ पर जो भी बच्चे देखने आएंगे उनको रोमांचित करने के लिए, उनको न्यूट्री पार्क से जोड़ने के लिए इस तरीके की बहुत ही रोमांचक पहल की गई है। गांव की पृष्ठभूमि के सभी लोग समझ सकते हैं कि इस तरह बिलोकर जो मक्खन निकाला जाता है तो उससे जब घी बनता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। उसके पौष्टिक गुणों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। और बच्चों के लिए बेहद आवश्यक दूध और दूध से बने उत्पाद, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। वही जानकारी यहाँ आने वाले पर्यटकों को दी जाएगी। आज इसके लोकार्पण पर माननीय प्रधानमंत्री इस चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में, ये एक तरह का गेम है जो यहाँ पर बच्चे आएंगे तो वो मक्खन निकालने के साथ साथ ये गेम खेलेंगे। एक तय समय हर प्लेयर को दिया जाएगा और उसी में उनको अपने पॉइंट्स बनाने हैं। Technology very much at the forefront, and that's what will draw a lot of children in, just to play these games and learn in the process. So this is a form of edutainment, which is the larger theme, one would think, of the entire theme park, because it's not really entertainment, it is education with a lighter side to it. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस समय चिल्ड्रन एजुकेशन पार्क में, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में शिक्षा और सूचना, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन सबके समावेश और उसकी बदौलत ज्ञानार्जन का जो माध्यम बन रहा है ये पार्क, उसका अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही वो सुझाव भी देते हुए नजर आते हैं, गहराई से देखते हैं हर चीज़ को, उसका अवलोकन करते हैं, अनुभव करते हैं और फिर अगर उसमें सुधार की गुंजाइश हो तो उसका सुझाव भी दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। न्यूट्री ट्रेन में अब बैठकर प्रस्थान कर रहे हैं अगले पड़ाव के लिए, अगले स्टेशन के लिए। न्यूट्री ट्रेन का 600 मीटर का लंबा ट्रैक है, अलग अलग स्टेशंस हैं, कुल मिलाकर के 5 स्टेशंस हैं जिनमें से 2 की यात्रा कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी।
फल शाग्रहम, सबसे पहले वो गए थे जहाँ पर किसान कुमार से मुलाकात हुई थी। दूसरा स्टेशन पयोनगरी था, जो जल से और दूध से संबंधित था। वहाँ पर जनार्दन उपस्थित थे, जिन्होंने अपने दिलचस्प अंदाज में जानकारी दी। दूसरे और तीसरे स्टेशन के सकते हैं। इस समय ये न्यूट्री ट्रेन अपने तीसरे स्टेशन पर पहुंच गई है, और तीसरा स्टेशन जो है वो है अन्नपूर्णा, जहां पर एक मां शुभंकर के तौर पर आने वाले लोगों का स्वागत करती है। So the toy train now is moving to its third station, and the third station is called Annapurna. And everything is digital. All the mascots are digital. We saw Janardhan, and we also saw Kisan Kumar, and now we have Ma, a mother who welcomes with a heartwarming and. Thank you.
VIPs indulging in a bit of gameplay. Yes, indeed. No matter how old we grow, we never forget Ma ke haath ka khana, the food our mother cooked for us. And I think the magic ingredient besides all the nutrition is love. True, and the games itself are quite fascinating when we look at, you know, spice it right, which is trying to find the right recipe, plate it right, which is the kind of food from which part of the country. And we saw, in fact, a little bit of that game being played, plate it right. बच्चे ये देखेंगे, पहचानेंगे और जानेंगे, और अगर उन्होंने वैसा खाना नहीं खाया होगा तो उस प्रदेश के भोजन को ज़रूर चखना चाहेंगे। सब बच्चों को हमेशा याद रहता है स्कूल के दौरान जब खाने के लिए जब छुट्टी होती है तो सब अपना अपना खाना निकाल कर जब खाते हैं तो हमेशा माँ को याद करते हैं, और उसके बाद दुनिया घूम आते हैं और फिर भी हर जगह उन्हें एक ही चीज़ याद आती है, माँ का खाना। That's absolutely right. When you talk to any of the big achievers who moved out into the world and brought name and fame for themselves and for the country, if you ask them what their favorite food is, it is always the food cooked by their mother. जो भी बच्चे दूरदर्शन के माध्यम से इस न्यूट्रिशन पार्क को देख रहे हैं वो जरूर यहाँ आना चाहते होंगे, उनका मन यहाँ आने को हो रहा होगा। Express themselves in whichever way they are allowed to be naughty once in a way, as Sardar Patel himself said, and I quote him as far as I can remember, "I yielded to none in the captaincy of mischief or of sly attempts to hoodwink one's elders." जैसे रेस्टोरेंट और मैग्नीशियम
ये आपके हार्ट को मजबूत बनाते हैं और आपके शरीर के टिश्यूज और मसल्स को शक्ति देते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि मूंगफली है पोषण से भरी, तो सींग डाला आप हमेशा खाना। बाय बाय। Both for work and for play. The Prime Minister has entered the fourth station, which is Poshan Puram, and this is an artificial well that is inside, projected inside, which is obviously the importance of water and hydration. चौथे स्टेशन पर यानी पोषणपुरम में यहाँ के जो शुभंकर हैं वो 11 वर्षीय शक्ति मेहता हैं, जो वर्चुअली परिणत पर ले जाने में वो प्रयासरत हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खेलों की महत्ता को परिलक्षित किया गया है इस अंतिम स्टेशन में, स्वस्थ भारतम में, वर्चुअल क्रिकेट
टेनिस, हॉकी, डिजिटल हैमर, डांस के आदि के माध्यम से। मिरर मेज जो कि एक और महत्वपूर्ण अंग है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का, अलग अलग आकार के वहां पर दर्पण लगाए गए हैं, अलग अलग छवियों को प्रदर्शित करते हैं। इनके अलावा एक भूल भुलैया सिनेमा भी है जिसमें 5 डायमेंशनल फिल्म दिखाई जाती है। और खास बात यह है कि उसका नाम है भारतीय थाली, यानी भोजन भिन्नता में एकता, यूनिटी इन फूड डाइवर्सिटी। The maze of mirrors is like journeying into the mysteries that lie within. The more one is lost, the more one finds oneself. It's like meeting the inner personalities that exist within oneself. This is a 5D image of the jungle. You can almost experience the birds and the bees, the flora and fauna. In fact, this Statue of Unity complex too is like a maze that leads the visitor to different journeys, some within and some into the mysteries of nature. Maintaining social distance is important right until the time that we are rid of COVID-19. And COVID-19 guidelines stipulate this as well, safety of visitors. बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों के लिए कई तरह की गतिविधियाँ हैं और कई रोमांच हैं, और हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, और प्रधानमंत्री भी उसी उत्सुकता के साथ इस समय भूल भुलैया में इस पूरे न्यूट्री पार्क का अपना आकर्षण है, कई मायनों में बेहद खास है, और कल के भविष्य और आज उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। एक तरफ मनोरंजन है तो दूसरी तरफ सीखने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पर एक 5D फिल्म भी है जो कि आपको रोमांचित करेगी, और जैसा कि आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है भारतीय थाली, यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में जो भोजन की विविधता है उसको पेश करती है ये 5D फिल्म। नमस्कार दोस्तों, अब हम तैयार हैं पूरे भारत की थाली का स्वाद चखने के लिए। हम भी आपके साथ इस रोचक यात्रा में जाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगले 5 मिनट होंगे आपके सबसे यादगार लम्हे, और ये होगा इस जादुई सोनगाड़ी में। तो जरा संभाल कर बैठिए दोस्तों इस मजेदार यात्रा के लिए।
की शुरुआत होती है पौष्टिक नाश्ते से। आइए देखते हैं कि भारत के पश्चिमी राज्यों में नाश्ते में कैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। पर हमको यहाँ चुपचाप अंदर जाना होगा ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों, पश्चिम भारत का नाश्ता तो देख लिया, अब चलते हैं दक्षिण के पकवानों का लुत्फ उठाने। यहाँ से आगे आपके साथ ही होंगे मेरे प्यारे दोस्त किसान कुमार। धन्यवाद महाराज, मैं अपने दोस्तों को ये बता दूं कि यहाँ से दक्षिण की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। सफर थोड़ा कठिन होगा, पर आप इसका आनंद भी जरूर ले पाएंगे। तो चलें, बाय बाय। ये शॉर्टकट है दोस्तों, संभल के बैठना, घबराना मत दोस्तों, हम जल्द ही अपने काम पर पहुंचने वाले हैं। से थक गए होंगे, अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारे स्वागत में बहुत से पकवान बनाए हैं। हम जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, उम्मीद है तुम्हें परेशानी नहीं होगी। यम यम यमी, डोसा, वड़ा, इडली के साथ सांबर और लगा दक्षिण भारत का खाना स्वादिष्ट ना? अब हमें शाम ढलने से पहले भारत के सुंदर पूर्वी प्रदेशों तक पहुंचना है, ये सफर भी बहुत रोमांचक होगा, तो चलें। दाल और चावल के साथ वो स्वादिष्ट सब्जी और जड़केदार रायता तो खाने का मजा ही कुछ और है। वाह भाई वाह। चलो उत्तर की ओर। Purple.
आलू का पराठा तो नाल हो मक्खन थोड़ा जे अचार तो नाल लस्सी दा ही वाह। दोस्तों पूरा भारत घूमने के बाद और हर प्रांत के अलग अलग व्यंजन देखने से यही पता चलता है कि हमारे देश में लगभग हर व्यंजन बनता है एक ही प्रकार के अनाज दालों दूध और दही से। तो हमेशा याद रखिए कि हमारे खाने की विविधता में भी है एकता। आज आपने देखा कि अपने देश के विभिन्न प्रांत कैसे खाने के माध्यम से भी एक साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने देश के किसानों और माताओं के बहुत आभारी हैं। हमारी यात्रा तो यहाँ समाप्त होती है, पर आप घर के खाने के महत्व को हमेशा याद रखिएगा। आपका इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार। और हाँ, इस एकता स्थल पर सेल्फी तो बनती है। मिरर में ये फाइव डी फिल्म भारतीय थाली भोजन विविधता में एकता, इस फिल्म का आनंद लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सामने दिखने वाला चित्र ही सही है, बाकी सब चार आयनों की वजह से दिखने वाले प्रतिबिंब ही दिखाई देते हैं। चलो फिर कहाँ जाना है। Fruits!
और आपकी जो प्रतिकृति है वो कई तरफ से बन जाती है। शीशों को इस तरीके से लगाया गया है कि एक जगह बैठने पर आपकी तस्वीरें कई जगह नजर आती हैं। तो जब बच्चे यहाँ पर आएंगे और वहाँ बैठेंगे तो उनको रोमांचित होने का एक बहुत ही शानदार विकल्प मुहैया कराया गया है। This is the external view of the mirror maze, where when you enter, you can see yourself from different angles and different aspects, and you can see yourself as multiple personalities rather than one. And I suppose it would be fun to search for oneself and find which is the right perspective. भारत का ये सबसे बड़ा मिरर मेज है जिसका निर्माण यहाँ पर किया गया है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में, जिसका अवलोकन कर रहे हैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। केवड़िया टूरिज्म सर्किट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के दो दिवसीय समारोह का आज पहला दिन है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे पहले आरोग्य वन का अवलोकन किया, उसके बाद एकता मॉल को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया, और उसके बाद आगमन हुआ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में, जो कि संभवतः विश्व का सबसे पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्क है। और वहाँ पर अलग अलग माध्यमों से न्यूट्री ट्रेन में यात्रा करने के एक रोमांचक रोचक सफ़र के दौरान अलग अलग स्टेशंस पर जाकर के जानकारी दी जाती है। भूल भुलैया सिनेमा का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जहाँ पर 5D फिल्म दिखाई गई जिसका नाम भारतीय थाली, यूनिटी इन फूड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, जो हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और देश के इस भाग में गुजरात में केवड़िया में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के आंचल में जिसका निर्माण हुआ है, एक नई दुनिया जन्म ले चुकी है देश के इस भाग में। और न केवल देश में बल्कि सारी दुनिया से यहाँ पर पर्यटकों का आगमन होगा। कोरोना महामारी के समय में एक न्यू नॉर्मल के तहत हम सभी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना करते हुए, उसी का एक अंग है आज के इस जन्म जयंती समारोह का ये पहला दिन, जहाँ पर एक के बाद एक आकर्षण माननीय प्रधानमंत्री महोदय लोकार्पित कर रहे हैं। आज वे 17 जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे कुल मिलाकर, और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। Since this place is dedicated to Sardar Patel, we see glimpses of Sardar Patel at every station. He came in from a family of farmers. He was very close to his mother and was deeply impacted by her spiritual inclinations. He loved children. So all these are also reflected here, as if keeping Sardar Patel's personality, his philosophy, his likes and dislikes, and of course Janardhan, because Sardar Patel had a very big role to play in Operation Flood, which brought about a revolution, a white revolution in our country, and also laid the foundation for the Amul movement in our country. एक और बात जो बड़ी उल्लेखनीय है वो ये कि ये पार्क बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए ये न्यूट्रिशन पार्क है, और प्रधानमंत्री की दिलचस्पी देखते ही बनती है। उन्होंने एक एक जगह बारीकी से जाकर हर बात को सुना, समझा, और उसके अलावा अगर उन्हें कहीं कुछ जानना था या अपनी सलाह देनी थी, उन्होंने पूरा समय दिया है यहाँ पर एक एक चीज़ को देखने में। ये अपने आप में बहुत एक कमाल की बात है, और जो हमें ये भी सिखाती है कि दृष्टि के साथ साथ उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, ये बहुत बहुत आवश्यक है और ये एक सीखने की बात है। एंड द ट्रेन अराइव्स हियर एट एकता जंक्शन। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज ऑफन सेड दैट ही इज वेरी डीपली इंस्पायर्ड by Sardar Patel and his ideals, and we see a glimpse of that here today. He's allowed the child in him to be present here. He's allowed different perspectives
when he watches these exhibitions here. So he's probably looked at it from the child's point of view. If children are here, what would they see? How would they react? And if the adults come here, what their reaction would be? One thing also about the Children's Nutrition Park is that it has a food court. I don't think the Prime Minister may be going there, but you know, after going through all this, one would like to go and visit the food court, I suppose. न्यूट्री ट्रेन के सहारे यहाँ के अलग अलग स्टेशनों पर जाकर वहाँ के शुभंकर के जरिए चीज़ों को समझकर अब माननीय प्रधानमंत्री न्यूट्रिशन पार्क से बाहर की ओर जाते हुए चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं. उन्होंने आरोग्य वन और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का केवड़िया में यहाँ लोकार्पण किया है. उनके द्वारा लोकार्पण किया गया. आज प्रधानमंत्री जी का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है. कुछ समय बाद उनके कार्यक्रम का अगला हिस्सा प्रारंभ होगा. तब हम सीधे प्रसारण के साथ